ये जगह आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अकेले हरियाली देखो, यहाँ लोग देखो, काफी फ्रेंडली नेबरहुड है यहाँ पे। सबसे अच्छा है यहाँ का वेदर। और अगर आप यहाँ पहाड़ के ऊपर देखें तो वहाँ पे राजा जब अपनी सेना को वहाँ से अपनी निगरानी करते थे तब आप देख सकते हैं वहाँ पे एक आपको एक लाइट हाउस जैसा दिखेगा। पुराने जमाने में वहाँ पे मशाल रहा करती थी और वहाँ से सिग्नल दिया जाता था कि नीचे गेट बंद करो या खोलो। ये आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रंजन ऑनलाइन बुक्स। ये स्पेशल पकचोरी है, ठीक है। चलो ग्रेट, गुड वर्क, कम फॉलो मी। अभी ये जगह का क्या कहना है? सीमेंट तो डाला लेकिन झड़ गया है। सीमेंट नहीं है। और ये आशिकियों ने अपना नाम भी लिखा है जगह जगह पे यहाँ पर। सब आशिक यही आए थे, सकता है। कुछ कहना चाहते हैं? ये कोक्का जो है ये स्पेशली बनाया गया था दासियों के लिए। दासियों के लिए? यहाँ पे जब राजा की ठरक होती थी और रानी को नहीं बताना होता था, यहाँ से दासियाँ। वो देखिए यहाँ पे एक गुप्त दरवाजा दिखेगा आपको वहाँ आगे। थोड़ा सा 200 meters आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे, लेकिन वो राजा के देहांत के बाद वो जो रास्ता है वो यहाँ पे एनिमीज ने उसको बंद कर दिया ताकि राजा की ठरक मिट सके। हाँ, राजा क्योंकि मर गया ना, उसकी ठरक मिटाने के लिए कोई चाहिए नहीं। और जो दासियाँ थी उनको इन्वेडर्स ले गए अपने साथ। तब से ये जगह ऐसे सुनसान और वीरान है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये देखिए गगन की ऊंचाइयों को चूमता हुआ। बुलंद दरवाजा, बहुत बुलंद। काफी सैनिक मारे गए यहाँ, आप देख सकते हैं। यहाँ मारे गए, यहाँ पे असला बारूद रखा जाता था हमारा। और यहाँ पे असला बारूद, जब यहाँ से दुश्मन सामने से आता था तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पहले जो लड़ाई होती थी यहाँ होती थी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए फेंकने, प्लास्टिक बॉटल फेंके गए, असला बारूद कहाँ गया? बाद में ये असली नौजवान लौंडे और लौंडिया है हमारे जमाने के, जो ऐसे हमारी देश की हेरिटेज प्लेस को खराब करने में काफी बिलीव करते हैं। ये उनकी गंद मचाई हुई जगह है। और ये देखिए ये घास जो है ये बाद में उगी है, काफी खूबसूरत लहलहाती घास। लड़ाई के बाद ये तो वीरान हो गई यहाँ पे, जब राजा रहे नहीं, रानियाँ रही नहीं, और जब ये कमर्शलाइज हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तब ये सारी जगह डिस्ट्रॉय कर दी गई। और तब से ही ऐसे जंगल हो गए, ना यहाँ कोई आता है ना जाता है। खाली टूरिस्ट के लिए यहाँ 10 rupees का एंट्री टिकट लगा दिया गया है। वो अपने भारत के इतिहास को ऐसे ही जानते हैं, टिकट के हिसाब से। और अगर आपके पास कैमरा है तो आपका 50 rupees लिया जाएगा, क्योंकि आप वो सोचते हैं आप बहुत बड़े वीडियोग्राफर हैं।
वाटरफॉल इतना गंदा क्यों है ये? अरे बाप रे भैया, बहुत कूटू कूटू हो रहा है। अंकित के ऊपर, अंकित के ऊपर दबा दूंगी इसको। अंकित उस पे हाथ डाल दे। तो रंजन भी, आपका क्या कहना है ये जो चल रहा है यहाँ पर? खुली खुली वादियों में हाँ, घर है मेरा, अब है मेरा, क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का समा, क्या कहना। कट। सिंगल लोगों के लिए आपके लिए आपका क्या मैसेज है? सिंगल पीपल नीड्स टू गेट मिंगल टू गेट समवेयर इन लाइफ, यू विल हैव टू कट लूज सम ऑफ योर एंड्स। आसमान की ऊंचाइयों में और ये फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, कुछ भी चाहता है। कैसा लग रहा है रंजन भैया फोटो शूट होते हुए? दिस इज लाइफ मैन, दिस इज लाइफ। कोई तो फोटो नहीं ले रहा, क्या एक्टिंग कर रही हो? चल नहीं, भाग के जाओ पति के पास। क्या हुआ? राजा लोग इतने ऊपर चढ़ के कैसे आते थे? राजा लोग सारे उनके पास तो चार नौकर थे, कंधे में उठा के ले आते थे। हमारा क्या, गरीब लोग ऐसी मेहनत करके चढ़नी पड़ती है। देख के कूद मत जाना। आर पार दिखता है, चलिए भर दिया किसी।
Who is he? My husband. What is he doing here? Nothing, just nodding so many girls over here. He's nodding girls? Yeah. Which girls? जिसे हम देखने के लिए करीबन 1000 सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, जहां आते आते काफी लोग क्या बोलते हैं उसे, मकबरा टाइप बनाया गया है, लेकिन वो अभी दिखे नहीं क्योंकि वो घास से ढक चुका है। और ये देखिए, ये सब नक्काशियों पे आप क्या आना चाहिए? नक्काशियां हमारे पुराने जमाने में जो अल्फाबेट नहीं हुआ करते थे, वो लोग यहाँ पे अपने साइन लैंग्वेज में लिखा करते थे, और यहाँ पे हमारी ऑडियंस हमें सोचते हुए ये लोग यादगार में बनाया गया है, और यहाँ पे उनकी पूरी प्यार की दास्तान की यहाँ पे कहानी लिखी गई है। और अगर आप यहाँ आए इसके बाद, ये बात आपको बताएगी कि उनकी दूसरी रानी के साथ जब वो अपने युद्ध में गए थे तो क्या हुआ था। और आप आइएगा क्योंकि उनकी वीर गाथाएं लिखी गई है ये पूरे एरिया में, ये देख सकते हैं, ये देखने हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये देखिए, अगर आप पढ़ सकते हैं यहाँ तो 999 सदी में ये खुदाया गया था। और यहाँ दिखाई गए, हम आपको एक चीज और बताएंगे, आपने अजहर का नाम सुना होगा, ये अजहर है जो क्रिकेट खेलते हैं। और तो हमारे ये बताया कि यहाँ कुछ ऐसा राज है कि वो किसी को पता नहीं है, एक राज है जो मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, बैग यहाँ चोरी नहीं करेंगे, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर ताली बजाएं तो आपको नीचे वहाँ पे एक गेट है, वहाँ पे आवाज सुनाई देगी। तो ये गोलकुंडा से पहले ये लोग आता, उसके बाद गोलकुंडा फोर्ट में कॉपी करके उन लोगों ने बना दिया, तो उसे फर्स्ट फोर्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं है, कैसा रास्ता है भाई? सर घूम रहा है इसमें, चार मीनार के रास्ते कैसे हैं?
fantastic experience. Yes, this is a must visit place if you are close, if you stay close by Hyderabad. So it usually takes around 2 hours to get to this place from Hindi mein. हाँ मतलब अपना अलवाल से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं और नीचे से ऊपर चढ़ने में आपको कम से कम अगर यहाँ घूमना है तो आपको 3 से 4 घंटे हाथ में लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि चढ़ाई यहाँ इतनी है कि लोग यूजुअली थक जाते हैं है ना, तो आप हर 15 मिनट पे एक पिट स्टॉप लेते हुए खाते पीते आराम से आ सकते हैं, बट खाते पीते से खाने का सामान अपना लेके सामान के साथ कचरा वापस नीचे लेके जाएं, यहाँ गंदगी ना फैलाएं। आप कहाँ लेके जा रहे हैं आपका कचरा? मेरा वो बैग है वो आगे, हमने उसमें पूरा कचरा भरा है, वैसे भी हम ज़्यादा कुछ लाए नहीं थे, बट वन मस्ट थिंग यू शुड गेट हियर इज नीचे बनानास मिलते हैं, बहुत अच्छे स्वीट बढ़िया बनाना होते हैं, और पानी मत लाइए उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक लाइए, ताकि आपकी पानी तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन कोल्ड ड्रिंक से आपकी प्यास बुझ जाएगी और कम में आपका ज़्यादा टाइम चल जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर डायरेक्टर साहब राज। Raj, if you can show your face, please. Please like and subscribe to our channel. Channel ka naam is Driving Motors. And we'll make sure you get some more updates and places you can visit nearby Hyderabad for a weekend getaway. Nice place, and we'll make sure more of these come to you very often. Thank you so much. Love Peace. From Hyderabad. आप यहाँ आ रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें थोड़ा सा पहाड़ देख रहे हैं, अगर आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल की है जो कि हमारी है तो आप यहाँ डॉल्फिन देख सकते हैं, ये देखिए ये उसके दांत हैं, ये उसकी आँखें हैं और वहाँ पे उसके अलावा एक छोटी सी चोंच देखिए तो आपको डॉल्फिन जैसी दिखती है। इट्स सो नाइस, वेल डन गॉड एंड नेचर। सी यू नेक्स्ट टाइम। यूं ही बने रहिए आप हमारे साथ रंजन विद मंजन। चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर इट रीचेस टू अ लार्जर ऑडियंस एंड हमें भी अमीर बनाइए। थैंक यू सो मच।